हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक नीलम राज ब्यूटी फैशन। और मैं हूँ नीलम। आज की इस वीडियो में जो ये सूट है पूरा मेरे पास जो ये पूरा सूट है, ये एक इसमें ये कुर्ती और ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ ये दुपट्टा है और वो सलवार का कपड़ा दिया गया है। ये मैंने कोई भी स्पेशल कपड़ा कुर्ती के लिए नहीं खरीदा है, ये मेरे पास पूरा सूट है। तो इसमें से हम एक डिजाइनर कुर्ती जो कि आजकल काफ़ी ट्रेंड में है वो बनाना मैं आपको सिखाऊंगी, ताकि आपको किसी भी अलग कपड़े की ज़रूरत ना पड़े और इस कुर्ती को और जो भी आपके पास सूट है उसमें से आप बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो को एंड तक देखें और अच्छी लगे तो इसे लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो फ्रेंड्स देखिए, सबसे पहले हमें इन्हें अलग नहीं करना है, हमें इन्हें ऐसे ही फोल्ड करके दोबारा से इसे ऐसे फोल्ड करके कुर्ती के ऊपर वाला पार्ट, जिसे हम चोली भी बोल सकते हैं, या कुर्ती का अपर पार्ट है जो, उसे निकालेंगे। उसकी लंबाई हमें 15 इंच रखनी होती है। 15 फ्रेंड्स सबके लिए काफ़ी होती है, अगर किसी की लेंथ लंबाई ज़्यादा है तो वो 16 इंच ले सकता है। मैं यहाँ पर इसकी लंबाई 15 इंच ले रही हूँ, तो मैं यहाँ ऊपर से नीचे तक 15-15 इंच पर ऐसे निशान लगाकर इसकी कटिंग कर लूँगी। तो फ्रेंड्स, ये हमारी कुर्ती का ऊपर का हिस्सा है जिसे हम चोली बोलते हैं, ये कुर्ती का अपर पार्ट है। इसके बाद हम कुर्ती के बॉटम पार्ट यानी जो निचला हिस्सा होता है, घेरा होता है कुर्ती का, उसकी कटिंग करेंगे। तो फ्रेंड्स, 15-15 इंच पर ऐसे निशान लगाकर हमें इसे कट कर लेना है। तो देखिए, मैं सीजर की मदद से अब इसे कट कर लूँगी। उसके बाद आपकी फ़िटिंग जितनी भी है उसका 2 इंच एक्स्ट्रा, आपकी चेस्ट की फ़िटिंग का 1/4 हिस्सा हमें यहाँ पर लेना है, और उससे 2 इंच या फिर 1 इंच एक्स्ट्रा आप ले सकते हैं अंदर रखने के लिए, ताकि हमें मार्जिन इसमें लेना ही होता है, ताकि हमें बाद में कुर्ती को खोलना पड़ जाए उसके लिए। तो हमें ये निशान लगा लिए हैं, हमने नीचे कमर का निशान भी लगा लिया है। ऊपर से हम तीरे पर निशान लगाते हैं, तीरा मैंने यहाँ पर 7 इंच दिया है और आर्म होल भी 7 इंच पर लेकर ऐसे इसकी हमें गोलाई कर देनी है। तो देखिए, अभी इसकी सभी निशानियाँ लग चुकी हैं, अभी हम इसे कट कर लेंगे। फ्रेंड्स, ये जो कुर्ती थी मेरे पास, ये सेमी स्टिच कुर्ती थी, इसमें बाजू जो है अलग से दी हुई है, इसलिए मैंने चोली की कटिंग कर ली है। और जो नीचे का पार्ट है हम इसमें से बचे हुए कपड़े में से निकाल लेंगे, बाजू इसमें से मैंने पहले ही अलग कर दी थी। तो हमें ऐसे इसकी चोली की कटिंग कर लेनी है। अब हम अपना इसका नीचे वाला हिस्सा, बॉटम पार्ट है जो, उसकी कटिंग करेंगे। यहाँ पर मैं 1 इंच की गोलाई दे रही हूँ, ताकि यहाँ पर इसकी फिटिंग अच्छे से आए। चोली की मैं 1 इंच पर गोलाई कर रही हूँ। देखिए फ्रेंड्स, हमने अपनी चोली की कटिंग कर ली है। कटिंग करने के बाद हमारी चोली कुछ ऐसी दिखाई देगी। इसमें जो अगला नेक है वो बना हुआ है, पिछला नेक हम बाद में बनाएंगे। तो पहले हम इसके निचला हिस्सा, बॉटम पार्ट, उसकी कटिंग करेंगे। ये जो हमने कट किया था, हमें इसे ऐसे ही इस पर रख लेना है। और अपनी कुर्ती की लेंथ आपको जितनी भी रखनी है, ऊपर से नीचे तक कुर्ती की लेंथ माप लेंगे। फ्रेंड्स, इसमें हम कुर्ती की लेंथ मैं इसकी फुल रख रही हूँ। अगर आपको इसमें से कम करनी हो तो इसमें हम नीचे से कम नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें नीचे प्रिंट दिया हुआ है, तो ऊपर से ऐसे कट कर सकते हैं। मैं इसकी लंबाई पूरी ही रख रही हूँ, तो मैं इसे पूरा ही रख रही हूँ। इसकी चौड़ाई और लंबाई मैंने पूरी ही रख ली है। तो फ्रेंड्स, हमारी कुर्ती की कटिंग पूरी हो चुकी है। इसमें ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा है चोली से, इसके हमें इसमें प्लेट्स डालने हैं। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, ये इसकी बाजू है जिसे मैंने पहले से ही अलग कर लिया था, कुर्ती के साथ अटैच थी। तो अब देखिए फ्रेंड्स, हमें आगे क्या करना है। तो फ्रेंड्स देखिए, अब हम इसे ऐसे फोल्ड करके अपना बैक नेक, पीछे वाला गला है जो, उसकी कटिंग कर लेंगे और उसे कंप्लीट कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने अपना बैक नेक भी कंप्लीट कर लिया है। उसके बाद हमें इसके बॉटम वाले पार्ट को इसमें अटैच करना है। तो देखिए कैसे करना है। ये जो पीछे वाला हिस्सा है, उसका पीछे वाला पार्ट को इसमें सीधी साइड अंदर करके हमें साइडों से 2-2 इंच छोड़ कर, जहाँ से इसकी फिटिंग है चोली की, 3 इंच छोड़ना है हमें दोनों साइड से, और बीच में ऐसे प्लेट्स डाल लेने हैं। ऐसे ही हमें दूसरे पार्ट में भी करना है, सीधे पार्ट अंदर रख कर साइडों में से 3-3 इंच छोड़ कर, फिटिंग से आगे 3-3 इंच छोड़ कर हमें बीच में छोटे छोटे प्लेट्स डाल लेने हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, मैंने अपने प्लेट्स डाल लिए हैं। प्लेट्स डालने के बाद हमारी कुर्ती कुछ ऐसी दिखाई दे रही है। तो अब हम देखते हैं हमें आगे क्या करना है। प्लेट्स डालने के बाद अब मैं इसकी फ़िटिंग की जो निशानियां हैं वो लगा रही हूँ, लेकिन हमें अभी फ़िटिंग की सिलाई नहीं लगानी है। फ़िटिंग की सिलाई हमें
बाजुओं को अटैच करने के बाद लगानी है। मैं यहाँ पर इसके निशान लगा रही हूँ, आपको भी ऐसे ही लगा लेने हैं और बाजू अटैच कर देनी है। उसके बाद हमें अपनी फिटिंग की सिलाई लगा लेनी है। मैं यहाँ पर अपनी साइड की लेंथ है जो वो 12 इंच रख रही हूँ, आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, 12 काफ़ी होती है। और ऐसे फिटिंग लगा लेने के बाद मैं पहले बाजू अटैच करूँगी और उसके बाद फिटिंग लगाऊँगी। तो देखिए हमारी कुर्ती बनकर तैयार हो जाती है। फ्रेंड्स, इस कुर्ती को मैंने 3 बॉटम के साथ पेयर अप किया है। आपको इनमें से कौन सा ज़्यादा अच्छा लगा प्लीज़ कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताएं। वीडियो को एंड तक देखें। थैंक यू। तो फ्रेंड्स देखिए, ये है हमारी कुर्ती का फाइनल लुक। आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताएं, और अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।